सिग्निफिकेंटली यूजिंग द प्रोपल्शन सिस्टम ऑफ द 48 दिन के महत्वाकांक्षी सफर की मंजिल तक पहुंचने से ठीक पहले अचानक इसरो के कंट्रोल रूम में एक अजीब सी चुप्पी छा गई। जो आंखें कुछ देर पहले बड़ी उत्सुकता से स्क्रीन पर मिशन चंद्रयान 2 के हर कदम को परख रही थी वो ठिठक गई थी। देश के करोड़ों लोग टकटकी लगाए थे। चंद्रयान 2 का सफर आखिरी और बेहद चुनौतीपूर्ण हिस्से तक पहुंच चुका था, लेकिन ये इंतजार लंबा खिंचने लगा और इसरो की तरफ से औपचारिक ऐलान कर दिया गया कि लैंडर विक्रम से उनका संपर्क टूट चुका है। विटनेसिंग द अराइवल ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी हु हैज जस्ट अराइव्ड हियर एट द मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स एट ISTRAC, ISRO's tracking and telemetry command network in Bangalore. He will be amongst us to witness today's important historic event when Vikram lander will be on the surface of the moon. चंद्रयान 2 के इस मिशन पर दुनिया भर की नजरें टिकी थी और उसकी वजह ये थी कि भारत के वैज्ञानिकों ने चांद की सबसे मुश्किल हिस्से पर पहुंचने को अपना लक्ष्य बनाया था। मिशन के मुताबिक चंद्रयान 2 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना था। चांद के इस हिस्से पर सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंचती है, इस वजह से लैंडर और रोवर के लिए सौर ऊर्जा हासिल कर पाना मुश्किल होगा। यहाँ अक्सर अंधेरा छाया रहता है। चांद के इस हिस्से पर अभी तक दुनिया के किसी देश की पहुंच नहीं हो पाई है, इसलिए वैज्ञानिकों को यहाँ के सतह की जानकारी नहीं थी। अमेरिका के अपोलो मिशन सहित ज्यादातर मिशनों में लैंडिंग चांद के मध्य में की गई और चीन का मिशन चांद के उत्तरी ध्रुव की तरफ था। चांद की पथरीली जमीन भी सॉफ्ट लैंडिंग के लिए बड़ी चुनौती थी और लैंडर विक्रम को दो क्रेटरों के बीच सॉफ्ट लैंडिंग की जगह तलाशनी थी। वैज्ञानिकों की ये आशंका शायद सही साबित हुई हो। भले ही चांद पर मानव के पहुंचने के 50 साल हो गए हों, लेकिन तमाम विकसित देशों के लिए भी चांद को छूना आसान नहीं रहा है। रूस ने 1958 से 1976 के बीच करीब 33 मिशन चांद की तरफ रवाना किए, इनमें से 26 अपनी मंजिल नहीं पा सके। अमेरिका भी इस होड़ में पीछे नहीं था। 1958 से 1972 तक अमेरिका के 31 मिशनों में से 17 नाकाम रहे। यही नहीं, अमेरिका ने 1969 और 1972 के बीच 6 मानव मिशन भी भेजे। इन मिशनों में 24 अंतरिक्ष यात्री चांद के करीब पहुंच गए, लेकिन सिर्फ 12 ही चांद की जमीन पर उतर पाए। इसी साल अप्रैल में इसराइल का भी मिशन चांद अधूरा रह गया था। इसराइल की एक प्राइवेट कंपनी का ये मिशन 4 अप्रैल को चंद्रमा की कक्षा में आ तो गया, लेकिन 10 किलोमीटर दूर रहते ही पृथ्वी से इसका संपर्क टूट गया। बेशक भारत के वैज्ञानिकों ने चांद के अनजाने हिस्से तक पहुंचने, कई महत्वपूर्ण जानकारियों को जुटाने की बड़ी चुनौती की तरफ अपने कदम बढ़ाए थे। चंद्रयान 2 को मंजिल के करीब ले जाने वाला ऑर्बिटर अब भी चंद्रमा की कक्षा में घूम रहा है। अब वैज्ञानिकों को इंतजार है कि आंकड़ों से निकलने वाले नतीजों का और ऑर्बिटर से मिलने वाली तस्वीरों का, जिससे आखिरी 15 मिनट का वैज्ञानिक विश्लेषण मुमकिन हो सके। लैंडर विक्रम के साथ संपर्क टूटने की वजहों का अध्ययन विश्लेषण किया जाएगा। जिन चुनौतियों की वजह से इस मिशन को अब तक का सबसे कठिन मिशन माना जा रहा था, उससे पार पाने के नए तरीके भी ढूंढे जाएंगे और इस लिहाज से चंद्रयान 2 का अभियान इस बेहद मुश्किल लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए वैज्ञानिकों के अनुभव को और समृद्ध करने वाला साबित होगा।